आत्मा इधर। अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है सुना जरा। दही आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे, मैं भी तो देखूं तेरी खोपड़ी में क्या है, सुना कहानी। चल क्या सोच रहा तू? डैडी अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो आप फिल्म बनाने के लिए रुपया देंगे? ये पहले कहानी तो सुना, रुपये की बात बात में कर। डैडी मेरी कहानी बहुत भयानक भयानक और डरावनी डरावनी है। आपको हाथ ट्रबल तो नहीं? अरे नहीं रे, क्यों क्यों क्यों। थोड़े दिन पहले मैंने एक को सुनाई थी कहानी, आधी कहानी सुनने के बाद उसके बच्चे यतीम हो गए। वो बुलते लोगा बुलते लोगा। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। एक डरावना जंगल है जहां मछलियां घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिल्कुल अजीब। क्वा क्वा कुड़ू कुड़ू। तूफानी हवा इन सब आवाजों को चीरती हुई चली आ रही है। तूफानी तूफान है। और एक साया, लंबा साया चला रहा। बटन जैसी आगे और एक लंबी ना, ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर से एक मुर्दा चला रहा है। मुर्दा जगह एक बिजली चमकी, बिजली छप्पर छत पे बिजली चमकी और बारिश की ये मोटी मोटी बूंदे जमीन पे गिरने लगी और वो साया मेंढक बन गया। और फुदक फुदक उस मकान के दरवाजे के पास गया और जो ही दरवाजे के पास पहुंचा तो वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर सन्नाटा है, आवाज नहीं आ रही। लड़की उसकी चीखने की आवाज। वो लड़की आधी चुड़ैल जैसी, आधी जिसकी हाथ की जगह टांग है, टांग की जगह हाथ है, आगे की तरफ आ रही और दूर से एक गीदड़ बोल रहा है। बस, आगे कहानी नहीं सुना, मेरे दिल को कुछ होता है। हाँ डैडी मैं जानता हूँ, मेरी कहानी बहुत डरावनी है ना, आप नहीं सुन सकेंगे, लेकिन फिर भी सुनिए डैडी, क्लाइमेक्स सुनिए। नहीं बेटे मैं नहीं चाहता कि तू यतीम हो जाए। परवाह नहीं डैडी, आप मेरा क्लाइमेक्स सुन लीजिए। वो चुड़ैल बड़े बड़े नाखून लेकर आगे की तरफ बढ़ती है हंसती हुई। गला पकड़ लेती है, गला पकड़ के फिर बोलती है।